हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निजैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट डिमांड ऑर्डर को लेकर है। वो एसएस जितने भी एसएससी है जिनके डिमांड ऑर्डर जारी हो रखे हैं और वो टाइमली अपनी अपील को फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर पास किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। वैसे तो जीएसटी के अंडर में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है, अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हो रखा है या जैसे नोटिस आया, तो आपको उसको टाइमली अवेल करना होता है, नोटिस के रिप्लाईज भी सबमिट करने होते हैं। उसके अलावा ऑर्डर अगेंस्ट में आप अपील भी फाइल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये केस फिट है तो आप जो है यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर में रिट पिटीशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की है और यहाँ पर जो अपील है उसमें से अपील रिजेक्ट होने के बाद ये फाइल हुई है। तो आप इस वाले केस में जो यूनिक पॉइंट है वो आप हर टाइप की अपील में जरूर मेंशन करें। जब भी आप अपील फाइल करने जा रहे हो इस वाले जमेंट ऑर्डर को वहाँ पर मेंशन जरूर करें। इससे क्या होगा कि डिले वाले केस में जो है आपकी अपील एक्सेप्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इस वाले एजमेंट ऑर्डर की जो कॉपी है आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, रिट पिटीशन नंबर से सर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल की, इसमें इन्होंने कहा कि सर ये ऑर्डर जो है पास किया गया है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर को यहाँ पर क्वेश किया जाए क्योंकि ये कॉन्ट्रेरी है टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट एंड पास्ड विदाउट ग्रांटिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द पिटिशनर। ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अभी जब हम यहाँ पर ऑर्डर रीड करेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड फर्दर डायरेक्ट टू द रेस्पॉन्डेंट टू हेयर द अपील ऑन मेरिट्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन्होंने कहा कि जी आप जो है डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कीजिए कि वो अपील जो है मेरिट्स के बेस पर डिसाइड करे और इनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करे। ये नहीं कि आपने जो है अपील को रिजेक्ट कर दिया टाइम बार्ड लेते हुए, बातों को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं किया। एन अपलेट ऑर्डर डेटेड दिस 21 मार्च 2024 का है, इसमें रिजेक्ट कर दी गई है पेटिशनर की अपील को इस ग्राउंड के बेस पर कि जो अपील है वो टाइम बार्ड है, टाइम बार वॉज बैड बाय द लिमिटेशन इज चैलेंज इन द इन दिस रिट पिटीशन। इस रिट पिटीशन में टाइम बार्ड वाले पॉइंट को चैलेंज किया गया। प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट द पिटीशनर इन रेस्पेक्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन GSTR 3B एंड ऑटो पॉपुलेटेड 2A। GSTR 3B और 2A के केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अभी भी। यहाँ पर जो है 17, 18, 19 में तो फिर भी रिलैक्सेशन की काफ़ी पॉइंट्स हैं, 19, 20 में और 20, 21 अगले वाले सालों में काफ़ी दिक्कत है क्योंकि वहाँ पर 2B को मैंडेटरी किया गया है। सच पर प्रोसीडिंग्स कन्वर्टिंग इन एन ऑर्डर, इसमें जो है इनके अक्टूबर में इनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ, इसके बाद इन्होंने जो है अपील फाइल की। तो देखिए 90 डेज के अंदर अपील फाइल करनी होती है, यहाँ पर जो है 90 डेज भी क्रॉस कर गए हैं। उसके बाद 30 डेज का एक्सटेंशन होता है जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ डिले होता है, वो भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पर 13 मार्च को फाइल की, जो अपील है वो रिजेक्ट हो गई है इसी ग्राउंड के बेस पर कि ये कंटिन्यूएबल जो पीरियड था वो 16 फरवरी था। जैसे कि मैंने आपको बताया 120 दिन का ही टाइम है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 16 फरवरी तक तो आपका जो चीज़ है वो जस्टिफाइबल थी, उसके बाद आपने 13 तारीख को फाइल किया 13 मार्च को। तो इससे क्या है आपको यहाँ से आइडिया भी मिल रहा है डेट का कि डेट कितनी इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंडर में। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा आप, तो ये वाला प्ली लेते हुए आपके पास मेडिकल ग्राउंड्स अगर है, मेडिकल ग्राउंड्स का मतलब है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर है, तो आप भी इस वाले केस के बेस पर जो अपील है उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले आपको मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी आपको मिल जाएगा। पेटिशनर की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया, हैड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एविडेंस दैट एन अकाउंटेंट कॉल्ड मिस्टर दिस वाज एंगेज टू हैंडल जीएसटी कंप्लायंस। उन्होंने कहा जो उनके अकाउंटेंट हैं तो वो जीएसटी कंप्लायंस करते हैं, उनको ही हैंडल करने के लिए जीएसटी कंप्लायंस दिए गए हैं, और वो जो अकाउंटेंट्स हैं वो हॉस्पिटलाइज थे ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। इस पीरियड के दौरान वो जो है मतलब जो ये आपका 4 महीने का पीरियड है, 4 से 5 महीने इस केस में, 5वां महीना भी यहाँ पर इन्होंने 5th मंथ के अंदर में सबमिट किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर काउंट करेंगे आप जो 90 डेज प्लस 30 डेज तो 4 मंथ्स तो फरवरी में कंप्लीट होगी। उन्होंने कहा कि इस पीरियड के अंदर में जो है वो हॉस्पिटलाइज थे। ही पॉइंट आउट दैट द डिस्चार्ज समरी वाज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, उनकी जो डिस्चार्ज समरी है वो भी इन्होंने सबमिट कर दी। तो ये देखिए एविडेंस डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। एंड द अपील वाज रिजेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द सेम, और इस चीज़ को भी यहाँ पर अपील में कंसिडर नहीं किया गया, उन्होंने फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर फैक्ट्स देखिएगा, द फैक्ट्स मेटेरियल फॉर द डिस्पोजल ऑफ दिस रिट पिटीशन आर अनडिस्प्यूटेड। द ऑर्डर इन ओरिजिनल वाज रिसीव्ड बाय द पिटीशनर, ऑर्डर ओरिजिनल यहाँ पर मिला हुआ था। द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एक्सपायर्ड हो गया है, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद 1 महीने का जो पीरियड है वो यहाँ पर एक्सपायर हो रहा है। पिटीशनर अपील वाज प्रेजेंटेड, पिटीशनर ने अपील फाइल किया है और इसमें 25 डेज का डिले। पिटीशनर हैड प्लेस्ड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स कोवर्टिंग द असर्शन दैट अकाउंटेंट्स वाज अनवेल ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड।
यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई अकाउंटेंट्स हैं किसी पर्सन के और अगर वो यहाँ पर अनवेल है या उनका मेडिकल ग्राउंड्स है कि वो जो है यहाँ पर ये चीजें सबमिट नहीं कर पाए या इस चीज को फाइल नहीं कर पाए तो उनको ये चीजें अलाउ कर दी जाए। इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आउटलाइन अबव द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वारंट्स दैट पेटिशनर अपील्स बी रिसीव्ड एंड डिस्पोज ऑफ ऑन द मेरिट्स। तो यहाँ पर जो है न्याय को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर पेटिशन की जो अपील है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए मेरिट्स के बेस पर, इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी को डायरेक्शन दी गई है कि वो रिसीव करे और डिस्पोज करे पेटिशन की अपील को मेरिट्स के बेस पर विदाउट गोइंग इन टू द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। आपको जो है इस क्वेश्चनिंग में नहीं जाना है। हाँ यहाँ पर जो एक्ट में चीज़ें लिखी गई हैं वो भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी ने एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है, लेकिन अब ऑनरेबल कोर्ट्स के अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के, जैसे ऑनरेबल कर्कट हाई कोर्ट का भी यहाँ पर डिसीजन आया हुआ है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी है, ऐसे अदर्स ऑनरेबल कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है एस एस सी की जो प्लीज है अलग अलग पॉइंट को लेकर एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा है कि अपील जो है 10 दिन के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है तो इनकी अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा और मेरिट्स के बेस पर ही डिसाइड की जाएगी। ये काफ़ी बड़े रिलीफ वाली ऑर्डर है, जो भी अपील फाइल करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा ये रिलीफ वाला ऑर्डर पास किया गया है। उसके अलावा जो अदर ऑर्डर्स हैं उनके लिए भी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपको अपील कैसे फाइल करनी है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, हर नोटिस के रिप्लाईज, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, 3B2B mismatch, 16-4, उसके अलावा कैंसिल डीलर्स, उनके नोटिस के रिप्लाईज और उनके अपील के फॉर्मेट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, तो सब्सक्राइब कराना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो